दोस्तों हाय हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो पे। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे भगवान श्री राम की मैंने स्केच जो है बनाई हुई है। और ये दोस्तों कपड़े पे मैंने स्केच किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको सिंपल सा कॉटन का कपड़ा है और इसे मैंने दोस्तों एक बोर्ड पे स्टिक कर दिया है। ये पेंटिंग दोस्तों मैं 22 जनवरी को अपलोड करूंगा सोच रहा था, बट दोस्तों नहीं हो पाया। उस टाइम दोस्तों मैं काफ़ी बिजी था, इसलिए वीडियो जो है मैंने नहीं अपलोड किया। तो चलिए आज इस वीडियो को देखिए, और मेरी इस साल की पहली लॉन्ग वीडियो है दोस्तों, तो इसे प्यार जरूर देना। तो इसे दोस्तों मैं एक्रेलिक कलर से बना रहा हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे। ये इसी कलर से मैं दोस्तों हमेशा पेंटिंग जो है बनाता हूँ, आपने देखी होगी मेरी वीडियोज़ में काफ़ी। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी शानदार इस पेंटिंग में बनाऊंगा दोस्तों, जो कि फुल रियलिस्टिक होगा, जैसे डिजिटल पेंटिंग होती है। और दोस्तों इसे लास्ट तक एकदम विदाउट स्किप देखिए, ताकि आपको समझ में भी आए दोस्तों मैं कैसा कैसा कलर कर रहा हूँ। ऐसे हर जगह मैं फास्ट करके नहीं दिखाया हूँ, ताकि आप समझ सको। और इसको दोस्तों काफ़ी शानदार मैं बनाने वाला हूँ, इसलिए आपको लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। इस पेंटिंग को दोस्तों मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कलर करूंगा, जैसा रेफरेंस में दिया हुआ है। यानी कि दो टाइप का कलर है इसमें, जैसे एक साइड से ब्लू मतलब हल्का ग्रीन भी दिख रहा है, और एक साइड से दोस्तों स्किन का कलर यानी कि गोरा कलर, तो वो आपको देखने को मिलेगा। और वो दोस्तों कैसा बनाया जाता है वो आप देखिए। यहाँ पे दोस्तों मैं बर्न सियाना का यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे डिजिटल पेंटिंग में होती है। तो इस टाइप की पेंटिंग की ट्यूटोरियल दोस्तों आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगी। तो चलिए फिलहाल इसी को देखिए, और यहाँ पर आप दोस्तों आपको देखने को मिलेगा स्किन का कलर। बस यहाँ पे दोस्तों बर्न सियाना वाइट, बस यही सब कलर का मैं यूज़ करूँगा, और आपको स्किन के कलर का झलक मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों फेस के दोनों कलर को मैच कराने के लिए इस टाइप का ग्रे टाइप का आपको कलर दिख रहा होगा, बट दोस्तों ये ग्रे नहीं है, इसमें थोड़ा सा पिंक मैंने डाल दिया है, तो हल्का सा पर्पल लग रहा है। तो इस टाइप का कलर भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, आप देख रहे होंगे कितना शानदार ये मैच कर रहा है। तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग दोस्तों इस टाइप का मैं कलर कर रहा हूँ। ऐसी पेंटिंग दोस्तों बिगिनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए उसे कलर का, बस उसके बाद दोस्तों बिगिनर्स तो क्या, कोई भी दोस्तों इस टाइप की पेंटिंग बना सकता है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों भाइयों और बहनों, इसे पूरा फोकस और पूरा ध्यान से देखो। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों को कलर जो है नोटिस होगा, देख सकते हैं आप कलर जो है कहाँ कहाँ पे अलग अलग सा नज़र आ रहा है। लिप्स पे दोस्तों मैंने पिंक रेड और बर्न सियाना का यूज़ किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए फिलहाल इस पेंटिंग को जो है कंप्लीट देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
फाइनली दोस्तों अब आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। फेस भी देखिए दोस्तों, इसका बॉडी का कलर देखिए दोस्तों, सेम टू सेम परफेक्ट मैंने कलर किया है। और मैं अपना तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको खुद पता लग जाएगा आप रेफरेंस को अगर देखोगे तो। चलिए वैसे भी दोस्तों अगर रेफरेंस मैच नहीं भी करेगा तो भी दोस्तों ये अच्छा लग रहा है। इस तरह की पेंटिंग दोस्तों आप लोग भी बना सकते हो। और मैंने वीडियो जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड नहीं की, इसीलिए दोस्तों काफ़ी भाइयों और बहनों ने मेरी वीडियो जो है देखनी छोड़ दी होगी। बट दोस्तों इस साल वैसा नहीं होगा, वो पिछले साल की गलती मैं नहीं दोहराऊंगा, यानी कि मैं कंसिस्टेंट वीडियो जो है अपलोड करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस पेंटिंग को कंप्लीट देखिए। ये देखिए दोस्तों किस तरह का ये पेंटिंग जो है लग रहा है। और अब दोस्तों पैरों को भी सेम टू सेम कलर में मैच कराऊंगा, तो चलिए देखिए। यस परफेक्ट लगा ना मेरे दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे भगवा कलर बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑरेंज का कलर, उसके बाद येलो, उसके बाद दोस्तों रेड, उसके बाद दोस्तों मैरून, इस टाइप का कलर दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, वाइट भी यूज़ होगा। और यहाँ तक आपने अगर देखा है तो आप लोगों को पूरा टेक्निक जो है पता चल गया होगा मैं किस टाइप से पेंट जो है कर रहा हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मेरी पेंटिंग मैं कैसे बनाता हूँ। और आप देख रहे होंगे कितना फिनिशिंग जो है लग रहा है। एक्रेलिक कलर दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, तो ऑयल कलर और इनामेल कलर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वाटर कलर थोड़ा सा डिफरेंट है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो चलिए हेयर पे कलर करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले गोल्डन ब्राउन को पूरा फिल कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों हाईलाइट एरिया में थोड़ा सा मैं वाइट डाल के थोड़ा सा इसे ब्लेंड कर दूंगा, और डार्क एरिया पर गोल्डन ब्राउन पर ही दोस्तों थोड़ा सा ब्लैक ऐड करके उसे मैं पूरा फिल कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आएंगे हाईलाइट पे। तो फाइनली दोस्तों पेंटिंग जो है कुछ इस तरह का लग रहा है। आप देख रहे होंगे हाईलाइट होने के बाद बालों का जो टेक्सचर है वो कितना शानदार लग रहा है। तो इस तरह की पेंटिंग दोस्तों आप लोग भी बना सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं फिर मिलूंगा दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।